अस्सलामुअलैकुम राइजिंग पाकिस्तान को, राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे हम आपका। आज के दिन अच्छा और बहुत ही खुशगवार गुजरे। जहां पर हम बात करते हैं कि हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरे, वहीं पर दूसरे का दिन भी अच्छा गुजारने का एक ना एक मोटिव हमारे माइंड में होना चाहिए कि आज के दिन का गोल ये है कि अगर किसी का दिन अच्छा नहीं गुजरा तो आपने उसके दिन को अच्छा बनाना है। वो किस तरह से आप बना सकते हैं? अगर कोई इंसान सैड बैठा है, बहुत उदास बैठा है, आप क्या कर सकते हैं? आप उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला सकते हैं और आप वो इस तरह से ला सकते हैं कि आप किसी न किसी चीज़ पे उसको अप्रिशिएट कर दें। जब भी आप कभी ऑफिस में देखते हैं आपका कुलीग किसी चीज़ में कोई एफर्ट पुट कर रहा है, कोई काम कर रहा है, सो आपने सिर्फ ये करना होता है कि आपने उसके काम को अप्रिशिएट करना होता है कि आपका काम बहुत अच्छा है। आप देखें कि उसके चेहरे पर जो एक मुस्कुराहट आती है, किस तरह से वो खिलखिला उठता है, वो एक चीज़ जो है मेरे ख्याल में वो आप लोगों के खुद के लिए भी डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा मंजर होता है और एक दिली सुकून मिलता है कि हाँ जी आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन आपने किसी का दिन भी बहुत अच्छा गुजार दिया है। क्योंकि अक्सर औकात जब आप काम कर रहे होते हैं एक रूटीन में आ गए होते हैं, सो आपने देखा है कि बहुत सारे लोग उकता जाते हैं काम से। वो कहते हैं अच्छा जी रोज़ का काम है, हम तो बहुत बोर हो रहे हैं, अब करने को दिल नहीं कर रहा। उसकी वजह ये होती है क्योंकि उनके इर्द गिर्द के लोग उनको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे होते। सो एक दूसरे के अच्छे काम को अप्रिशिएट करें। इनफैक्ट अगर किसी ने कोई छोटी सी गलती भी कर दी उस काम में तो आप उसको भी दरगुजर करें और आप उसको भी अप्रिशिएट करते हुए उसकी करेक्शन करें। इससे क्या होता है कि दूसरे का दिन भी बहुत अच्छा गुजरता है। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आज के दिन की शुरुआत आपने मेरे साथ मिलके आज का ये गोल सेट कर दिया है दिन का। अब आप मुझे बताएंगे अगले दिन, हम मैसेज कोशिश करेंगे हम शामिल करें कि आपने सोशल मीडिया पे हमें जरूर बताना है कि आपने किसका दिन और किस तरह से अच्छा बना दिया है। सोशल मीडिया हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, नोट डाउन कर ले। और आपकी एक्टिविटी है कि आप हमें बताएंगे कि आज का दिन का जो गोल आपने सेट किया है क्या आपने वो अचीव किया है या नहीं किया। जनाब राइजिंग पाकिस्तान दिन अच्छा बनाने की जब बात होती है, हमारी टीम भी बहुत ज्यादा मामले में ना पर्टिकुलर है और वो चाहती है कि आपका दिन भी हम बहुत अच्छा बनाएं। और इस तरह से कि हम एक से बढ़कर एक सेगमेंट आपके लिए सजा कर लेकर आते हैं राइजिंग पाकिस्तान में। जिस तरह से आज बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन हमारी स्क्रीन्स को, टेलीविजन स्क्रीन्स को रौनक बख्शेंगे और डेफिनेटली वो दोनों आकर हम उनसे इतना कुछ सीख रहे होते, इतने मजे के वो दोनों कैरेक्टर्स है कि एक दूसरे से बातचीत करते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं और जो हम स्पेस की बातें कर रहे होते हैं उसमें तो वो ऑब्वियसली हम इस तरह से इनडायरेक्टली बहुत कुछ सीख रहे होते हैं कि फन भी हो रहा है उसके साथ साथ हमारी लर्निंग भी हो रही है। सो आज आप देखेंगे बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन, इसके साथ साथ आज अमारा रूही आएंगी और अमारा हमारी टेक्नोलॉजी की एक्सपर्ट है, हमारी टेक एक्सपर्ट। आज उनसे देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है। और जिस तरह से हमारी उनसे बात भी होती तो अमारा ने बताया कि पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो बता रही होती कि वो आ चुकी होती हैं या वो आने वाली होती हैं। तो आज की जो टेक्नोलॉजीज़ वो हमें बताएंगी, हम उसमें भी उनसे बात करके पूछेंगे कि जनाब हमें बताएं कि पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी कब आ रही है जिसकी हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी जनाब, इसके अलावा आज बुक ट्यूबर शाहरुख नदीम से आपकी मुलाकात करवाएंगे। शाहरुख हमें बुक की रिव्यूज़ देंगे, हमें कुछ किताबें रिकमेंड करेंगे और उनका एक खुलासा, एक रिव्यू हमें देंगे जिससे हम देखेंगे कि वो किताब हाँ हमारे इंटरेस्ट की है या नहीं है, इसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। सो वो हमें आज शाहरुख नदीम बताएंगे। वो सेगमेंट आपने बुक लवर्स से ज़रूर ये सेगमेंट देखना है। इसके अलावा जनाब, जो कराची से हमने कुछ सेगमेंट्स रिकॉर्ड किए और हमने सोचा कि आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाएं, सुपरस्टार से आपकी मुलाकात करवाएं, तो आज आपकी मुलाकात हम करवाएंगे कराची स्टूडियो से औरंगज़ेब लगारी साहब से। हम सब जानते हैं सीनियर एक्टर हैं, पीटीवी के साथ उनकी वाबस्तगी है, पीटीवी की स्क्रीन के लिए उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जो रोल करते हैं, जो किरदार करते हैं, ऐसा लगता है कि इतना नेचुरल परफॉर्म करें कि वो एक्टिंग नहीं लग रही होती, क्योंकि वो नेचुरली उस जो रोल होता है उसमें बिल्कुल ढल जाते हैं उस कैरेक्टर में और वो स्क्रीन पर आकर हम सबको एंटरटेन उन्होंने किया। अभी वो क्या कर रहे हैं आजकल, उनकी पीटीवी के साथ यादें, सब बहुत अच्छी उनसे बातचीत हुई है, वो आज दिखाएंगे हम आपको राइजिंग पाकिस्तान में। सोशल मीडिया सेगमेंट भी होगा जिसमें आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। चलते हैं जी ब्रेक के जाने।
प्यारे बच्चे जो अभी हमें देख रहे हैं, मौसम बहुत ज़्यादा बदल रहा है, आप स्कूल की तरफ भी जा रहे हैं, इसके अलावा आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सब कुछ परफॉर्म करें, सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है कि आप सब लोग बदलते मौसम के साथ जितनी भी एहतियाती तदाबीरें आप उसको फॉलो करें, और इसके अलावा अपना बहुत ख्याल रखें, सूप पीना शुरू कर दें, सूप पे माँ बाप को परेशान करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कहवा पीना शुरू कर दें उस पर भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, और जो जो ऐसी चीज़ें जो कि आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि इस मौसम में आपको लेनी चाहिए, आपको खानी चाहिए, वो उसमें आपने एहतियात ज़रूर करनी है और आपने वो ज़रूर उनकी बात माननी है। उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात हम नखरे कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा कि नहीं सूप नहीं पीना अच्छा नहीं लग रहा, कहवा नहीं पीना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो चीज़ें उस तरह से आपको अगर अच्छी नहीं लग रही होती लेकिन वो आपके लिए अच्छी होती है, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं।